नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर वन न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना को भेजी अनुबंध से नियमित कर्मचारियों के उच्च वेतनमान की फाइल। अनुबंध पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद नियमित हुए सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान 2 साल के बाद प्राप्त होगा, लेकिन 3 जनवरी के बाद नियमित होने वाले कर्मचारी इस तर्क के साथ उच्च वेतन की मांग कर रहे हैं कि उन्हें 2 वर्ष का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि सरकारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में व्यवस्था है कि नियमित होने के बाद 2 साल की शर्त को पूरा करने के बाद ही उच्च वेतनमान मिलेगा। 1.5 सप्ताह पहले उच्च वेतनमान से वंचित कर्मचारियों का मामला वित्त विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भेजा गया है। उच्च वेतनमान की मांग करने वाले कर्मचारी वर्ग में अधिकांश शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे सरकारी विभागों में बहुत कम कर्मचारी अनुबंध का तय कार्यकाल पूरा करने के बाद नियमित हुए हैं। इसमें 2020-21 के 2 साल के कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि ये 3 जनवरी 2022 के बाद नियमित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में आयोजित हिमाचल दिवस पर घोषणा की थी कि 3 जनवरी के बाद नियमित होने वाले कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने का रास्ता निकल पाएगा। ये वो कर्मचारी है जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल 2022 से पहले पूरा कर लिया है, यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनका 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ मिल पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।